प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे एरोमेटिसिटी एंड हकल स्क्रूज के बारे में। एरोमेटिसिटी एंड हकल स्क्रू, एरोमेटिसिटी और हकल स्क्रू को जब हम स्टडी करते हैं तो हमारे मतलब तीन चीजें आती हैं। कंपाउंड जो बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, तीन प्रकार के हो सकते हैं, वो थ्री टाइप के हो सकते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड्स, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स एंड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो बेसिकली हमारे दिमाग में ये जब हम पढ़ते हैं एरोमेटिक एंड हकल ग्रुप, तो हमारे दिमाग में पिक्चर बनती चाहिए क्लियर कि कंपाउंड जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं क्या वो एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है। ठीक है, एरोमेटिसिटी की क्या कंडीशन होती है, हकल ग्रुप क्या होता है, इस वीडियो में हम डिटेल में पढ़ेंगे विद एग्जाम्पल्स। तो एरोमेटिसिटी के अंदर चार कंडीशन, अगर कोई कंपाउंड चार कंडीशन फुलफिल करता है इसका मतलब वो एरोमेटिक कंपाउंड होगा। ठीक है, तो चार कंडीशन कौन कौन सी होनी चाहिए। साइक्लिक कंपाउंड शुड बी साइक्लिक। सेकंड कंडीशन प्लेनर। थर्ड कंडीशन स्टेबल। कंपाउंड शुड बी स्टेबल, साइक्लिक प्लेनर स्टेबल। एंड फोर्थ वन एंड वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन इज कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड। कॉन्जुगेशन का मतलब क्या हुआ, सिंगल बॉन्ड के बाद डबल बॉन्ड के बाद सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड। तो इस तरह के कंपाउंड जो होते हैं क्या कहलाते हैं, कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड कंपाउंड। तो अगर ये कोई कंपाउंड इन चारों कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं, दैट मींस साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, स्टेबल भी है और कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड भी है, इसका मतलब वो कंपाउंड कैसा होगा, एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, लेकिन एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर एक और कंडीशन आ जाती है, मतलब ये तो एरोमेटिसिटी कंडीशन भी, एक कंडीशन और है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फिफ्थ कंडीशन, दैट इज फॉर हकल स्क्रू। दो तरह का होगा, पहला 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, पहला रूल तो ये पॉजिटिव, ये भी हकल के रूल लेकिन 4n पाई इलेक्ट्रॉन वाला है, 4n पाई इलेक्ट्रॉन, दैट इज सेकंड रूल। अगर कंपाउंड साइक्लिक है, प्लेनर है, स्टेबल है, कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड है और 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स वाला रूल फॉलो करता है जो कि हकल का फर्स्ट रूल है, तो कंपाउंड कैसा होगा, एरोमेटिक कंपाउंड। वहीं अगर कंपाउंड साइक्लिक है, प्लेनर है, स्टेबल है, कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड है लेकिन 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन वाले फर्स्ट रूल को फॉलो नहीं करता, 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स सेकंड रूल को फॉलो करता है, तो कैसा कंपाउंड होगा, वो होगा आपका एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, और थर्ड कंपाउंड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, यानी कि अगर इन पांच में से कोई भी एक कंडीशन अगर वो कंपाउंड फुलफिल नहीं करता है तो कंपाउंड होगा आपका नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। भाई हम इसको आप एग्जांपल के साथ समझते हैं, जैसे पहले हम बात कर रहे हैं एरोमेटिक कंपाउंड की। एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर जैसे कि आपको मैंने बताया, जो एरोमेटिक कंपाउंड है उससे पहले इसकी बात करेंगे, तो ये कंडीशन तो है, ये वाली फुलफिल करेगा लेकिन ये वाली कंडीशन फुलफिल नहीं करेगा। मीन्स अगर कोई कंपाउंड इस कंडीशन को फुलफिल करता है, इन पांचों कंडीशन को फुलफिल करता है, तो कैसा कंपाउंड होगा, एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, जैसे बेंजीन, अभी हमने पढ़ा थोड़ी देर पहले बेंजीन की बात करें, बेंजीन देखिए साइक्लिक है, कितने कार्बन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कार्बन है, प्लेनर है मतलब ये की प्लेन में है। ठीक है, इसके जितने भी एटम्स हो एक ही प्लेन में होंगे, कार्बन हो चाहे हाइड्रोजन हो। थर्ड, ये कंपाउंड स्टेबल है, स्टेबिलिटी मैंने आपको बताया ना, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन से हम इसको कोरिलेट करते हैं, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जितनी कम होगी बेंजीन कोई भी मॉलिक्यूल उतना ज्यादा स्टेबल होगा, बेंजीन एक स्टेबल कंपाउंड है। फोर्थ, कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड है, इसका मतलब देखिए फर्स्ट एंड सेकंड कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, सेकंड थर्ड के बीच में डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल डबल, इस तरह से ये एक कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड रिंग सिस्टम है। फिफ्थ इज फॉलोस हकल रूल, कौन सा वाला, फर्स्ट रूल 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, मीन्स अगर एन की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे बन रखूँ तो 4 into 1 plus 2 that is 6 pi electrons,
आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने पाई बॉन्ड है, यहाँ पे 3 पाई बॉन्ड है और एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसका मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन इसके अंदर प्रेजेंट है, यानी अटल रूल को भी फॉलो कर रहा है। इसका मतलब एक ऐसा कंपाउंड होगा, एरोमेटिक कंपाउंड होगा। जरूरी नहीं कि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ये न्यूट्रल कंपाउंड है इसलिए एरोमेटिक है। कुछ कंपाउंड जिनके ऊपर चार्ज भी होता है, पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज, मैं एग्जांपल आपको विद एग्जांपल आपको एक्सप्लेन करूंगा, वो कंपाउंड भी एरोमेटिक होते हैं, वो एरोमेटिक आयंस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं वो? एरोमेटिक आयंस। एग्जांपल साइक्लोप्रोपेनाइल आयन, साइक्लोप्रोपेनाइल कैटायनिक देखिए ये कंपाउंड है, साइक्लिक है, प्लेनर है, स्टेबल है, कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड। कॉन्जुगेटेड ये एस्टर में शो करेगा क्योंकि इसमें रेजोनेंस हो रहा है। रेजोनेंस कैसे हो रहा है? ये डबल बॉन्ड उठ के इधर जाएगा तो देखिए क्या होगा, डबल बॉन्ड उठ के इधर गया तो एक पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा, शो किया रेजोनेंस। अब थर्ड स्ट्रक्चर आप देखिए इसकी, इसी के अंदर में थर्ड स्ट्रक्चर यहां पर बना देता है, ये डबल बॉन्ड उठ के इधर जाएगा तो डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज उसके यहाँ आ जाएगा। तो कुल मिला के ये साइक्लोप्रोपेनाइल कैटायन जो है इसमें पॉजिटिव चार्ज जो है वो डीलोकलाइज करेगा और डबल बॉन्ड की तरह ये डीलोकलाइज करेगा, तो साइक्लोप्रोपेनाइल कैटायन। ये कैसा आयन हुआ? ये एरोमेटिक आयन है। कैसा आयन है? ये एरोमेटिक आयन। इसी तरह से हम कुछ और भी एग्जांपल दे सकते हैं एरोमेटिक आयन से, एरोमेटिक आयन से कुछ और भी एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे माइनस साइक्लोपेंटा डाइमिल एन आयन, ये नेगेटिव आयन, साइक्लो पेंटा डाइमिल एन आयन। इसमें आप देखिए साइक्लिक है, प्लेनर है, स्टेबल भी है, जैसे केरोसिन के अंदर आपको मिलता है, कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड है, कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ये एक लोन पेयर नेगेटिव नेगेटिव चार्ज है। इसमें क्या होगा? ये भी रेजोनेंस शो करेगा, जब नेगेटिव चार्ज इधर जाएगा डबल बॉन्ड उठ के इधर आ जाएगा। कैसे? ये देखिए डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, नेगेटिव चार्ज इधर आ गया, ये डबल बॉन्ड डिस्टर्ब नहीं करेंगे। फिर सेकंड स्ट्रक्चर में ये जो इलेक्ट्रॉन है ये जंप करके इस वाले बॉन्ड पे आ जाएगा और ये डबल बॉन्ड जंप करके इधर आ जाएगा। देखिए स्ट्रक्चर ऐसे बन जाएगा, इसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, नेगेटिव चार्ज यहाँ आ गया, पॉजिटिव डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया। फिर डबल बॉन्ड किधर शिफ्ट हो जाएगा? देखिए बहुत ही सिंपल है, ये स्ट्रक्चर सब ड्रॉ करेंगे आपको बहुत ही जल्दी से समझ आने लगेगा, हमें इसको शिफ्ट करना पड़ेगा, सॉरी हमें इसको शिफ्ट करना पड़ेगा, तो शिफ्ट करने के बाद यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। इस तरह से जो है डीलोकलाइज होता रहेगा और ये स्ट्रक्चर आपको मिलेंगे, साइक्लोपेंटाडाइल एन आयन। तो ये कुल मिला के कैसा कंपाउंड होगा? ये एक एरोमेटिक आयन है जो कि स्टेबल है, फिर इसमें जो नेगेटिव चार्ज है ना उसका डीलोकलाइजेशन हो रहा है और ये पॉलीमर डबल बॉन्ड है, सभी कार्बन्स के ऊपर, सभी कार्बन्स के ऊपर इसका भी डीलोकलाइजेशन हो रहा है। इसके अलावा और भी एग्जांपल्स आप दे सकते हैं, जैसे इसको ट्रोपिनियल कैटायन बोलते हैं, ट्रोपिनियल कैटायन, ट्रोपिनिलियम आयन भी कहते हैं इसको, ट्रोपिनिलियम आयन भी कह सकते हैं, ट्रोपिनिलियम आयन। तो इस तरह से जो कंपाउंड होंगे वो कैसे होंगे? एरोमेटिक आयन्स जो कि स्टेबल कंपाउंड्स होंगे, इसको साइक्लोहेक्टाट्राइनिल कैटायन कहते हैं। क्या बोलते हैं? साइक्लोहेक्टाट्राइनिल कैटायन, इस वाले इसका नाम है ट्रोपिनियल आयन या साइक्लोहेक्टाट्राइनिल कैटायन। कुल मिला के ये सब एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं और स्टेबल कंपाउंड्स भी हैं। ठीक है, क्लियर हुआ आपको? अब हम बात करेंगे आप नॉन सॉरी एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन से कंपाउंड होते हैं? मैंने बताया पांच चार कंडीशन तो रहेंगी रहेंगी, साथ में कंपाउंड जो है वो हर्कल्स सेकंड रूल, हर्कल्स सेकंड रूल तो क्या कौन सा रूल है? फोर एंड
पाई इलेक्ट्रॉन्स वाला, 4n+2 नहीं है, 4n π इलेक्ट्रॉन्स वाला जो रूल है कौन सा रूल है, हकल्स हकल्स सेकंड रूल। ठीक है, इसके अंदर आप देख सकते हैं हकल्स सेकंड रूल के अंदर, जैसे मैं एग्जांपल दूंगा साइक्लोब्यूटाडाइकीन, एक एग्जांपल है साइक्लोब्यूटाडाइकीन, साइक्लिक है, प्लेनर है, स्टेबल भी है ये कंपाउंड, कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड मींस डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, इस तरह से ये जो कंपाउंड है ऐसा हो गया, ये कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड हो गया। ठीक है, देख सकते हैं आप इसको साइक्लोब्यूटाडाइईन, और ये हकल सेकंड रूल को फॉलो करता है, क्योंकि एन की वैल्यू अगर आप वन रखें तो 4 × 1 दैट इज 4 π इलेक्ट्रॉन्स, 4 π इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसी तरह से एंटी एरोमेटिक कैटायन भी होते हैं, क्या होता है एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक कैटायन या एंटी एरोमेटिक आयंस भी आप कह सकते हैं, एंटी एरोमेटिक आयंस। एग्जाम्पल पूछ लिया जाता है, जैसे मैं आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल देके बताऊंगा, एग्जाम्पल से ज्यादा चीजें भी है उसमें और अच्छे से समझ में भी आ जाता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ पे कैटायन लगा दिया, ये रेजोनेंस की वजह से कंपाउंड स्टेबिलिटी शो करेगा, तो ये स्टेबल है, साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेटेड है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, और ये जो पॉजिटिव चार्ज है साइक्लोब्यूटाइन का डायमर के अंदर आप देख रहे थे एनायन के अंदर, इसमें जो कि एंटी जो कि एरोमेटिक आयन था एनायन था, उसके इसमें नेगेटिव चार्ज का न्यूट्रलाइजेशन हो रहा था, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज का न्यूट्रलाइजेशन होगा, तो ये एक स्टेबल कंपाउंड है और ये एंटी एरोमेटिक आयन है। ठीक है, अब हम थर्ड एग्जाम्पल लेंगे नॉन एरोमेटिक, अगर इन पांच में से कोई भी कंडीशन अगर कंपाउंड फुलफिल नहीं करता है, इन पांच कंडीशन से अगर कोई भी कंपाउंड जो कंडीशन है अगर इनमें से कोई भी कंडीशन कंपाउंड फुलफिल नहीं करता है तो कंपाउंड कैसा होगा, नॉन एरोमेटिक होगा, नॉन एरोमेटिक होगा। जैसे एग्जाम्पल एक रेडिकल लगा दिया मैंने, ठीक है, तो ये कंपाउंड कैसा कंपाउंड है, साइक्लोपेंटा डाइनल रेडिकल, साइक्लोपेंटा डाइनल रेडिकल। ये एक एग्जांपल और दे दिया, यहां देखिए साइक्लिक है, प्लेनर है, लेकिन कॉन्जुगेशन कंप्लीट नहीं हो रहा है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड आना चाहिए था, अगर डबल बॉन्ड आ जाता तो ये कंपाउंड एरोमेटिक होता, लेकिन नहीं आया, इसलिए ये कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है। कैसा है ये, नॉन एरोमेटिक, क्योंकि हकल्स रूल को तो फॉलो करेगा लेकिन ये कॉन्जुगेशन को फॉलो नहीं कर रहा है, कॉन्जुगेशन इसका कंप्लीट नहीं हो रहा है, कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड ये कंपाउंड नहीं है। इसी तरह से एक और कंपाउंड ले लीजिए आप, यहाँ पे भी देखिए यहाँ पे दो सिंगल बॉन्ड आ गए, इसलिए इसका एक चेंज खराब हो गया, और ये कंपाउंड ना तो एरोमेटिक है ना ये एंटी एरोमेटिक, कैसा कंपाउंड है, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। ये इसके एग्जाम्पल्स है, अगर मैं आपको तीन एग्जाम्पल दिया, साइक्लोपेंटा डाइनल रेडिकल, साइक्लोहेप्टा 1,3 डाइईन, साइक्लोहेप्टा 1,3,5 ट्राईईन, ये साइक्लोहेक्सा 1,3 डाइईन, तो कुल मिलाकर ये तो कंपाउंड्स है, कैसे होंगे ये होंगे नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो आपने इस वीडियो में ये पढ़ा कंपाउंड्स एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक होते हैं, जिनके एग्जांपल्स हमने यहाँ पे हमने डिस्कस करे, और साथ ही हमने हकल्स रूल के बारे में पढ़ा और एरोमेटिसिटी के बारे में हमने पढ़ा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।